सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्क्रैच डैड। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपना पैकमैन गेम। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट वन मैंने पहले बना दिया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और ये पार्ट सेकेंड है। तो पार्ट सेकेंड में हम अपने फूड की और गेम ओवर की कोडिंग करेंगे। और पार्ट वन में हमने पैकमैन और घोस्ट की कोडिंग करी थी अपनी। तो इस ये सारा मटेरियल भी मैं अभी बताऊंगा फ्रेंड्स आपको कि कहां पर आपको मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें एक कमांड लेनी होगी, इवेंट में जाना है आपको। और सिंपली लेनी है वैन फ्लैग क्लिक। जैसे आप वैन फ्लैग लेंगे उसके बाद को कंट्रोल में जाना है और फॉर एवर की कमांड लेकर यहाँ पे ड्रॉप करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली इफ देन कंडीशन लेनी है। तो इफ देन कंडीशन हम ले लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉप करनी है। उसके बाद आपको सेंसिंग में जाना है सिंपली और टचिंग माउस पॉइंटर वाली कमांड लेकर यहाँ पर ड्रॉप करनी है। जैसे आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, माउस पॉइंटर की जगह आपको यहाँ पर पैकमैन करना है। तो पैकमैन कर देते हैं। और जो हमने इसमें फिर फ्रेंड्स हम इसमें अब साउंड ऐड करेंगे। तो सिंपली हमें साउंड में जाना है और प्ले साउंड पॉप लेनी है। और अगर फ्रेंड्स वैसे तो आपको यहाँ पे साउंड मिलेगी, अगर नहीं मिलती आपको तो आपको सिंपली यहाँ पर जाकर यहाँ पर सर्च कर लेना है पॉप। सॉरी मैं भी सर्च करता हूँ पॉप। तो आपको यहाँ से क्लिक कर कर ये साउंड लेनी है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक को और सिंपली कोड पे जाएंगे। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली लुक में जाकर हाइड कमांड लेनी है। और हाइड कमांड लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉप करनी है। और हाइड कमांड होने के बाद फ्रेंड्स आप चाहते हो कि इसका स्कोर 1 हो जाए तो सिंपली वेरिएबल में जाना है और चेंज लाइफ डैश बाय 1 और लाइफ की जगह आपको स्कोर कर देना सिंपली। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कमांड पे। तो अगली कमांड हमें फिर से देनी होगी इसको वैन फ्लैग क्लिक। तो वैन फ्लैग क्लिक ले लेते हैं हम इवेंट में जाकर। और फिर आपको लेनी है कंट्रोल में जाकर रिपीट अनटिल। तो ये रही आपकी कमांड हो, रिपीट अनटिल लेकर यहाँ पे ड्रॉप करनी है। ड्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली वेट 1 सेकेंड की कमांड लेनी है और उसको यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर ड्रॉप करना और इसको यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको 1 की जगह जितना भी आप टाइम देना चाहते कि एक यहाँ पर एक कितने सेकंड रुके, तो मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। तो 5 सेकंड कर दिया मैंने। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली मोशन में जाना है और गो टू एक्स एंड वाई वाली कमांड लेनी है, यहाँ पर ड्रॉप करनी है। तो फ्रेंड्स ड्रॉप करने के बाद सिंपली आपको जाना है ऑपरेटर में और पिक रैंडम 1 to 10 यहाँ पर ड्रॉप करनी है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी हमें पिक रैंडम है और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है सिंपली -270। तो -270 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमें रखनी होगी सिंपली 220। तो 220 कर देता हूँ। और दूसरी फ्रेंड्स आपको x वेरिएबल में आपको यहाँ पर डालना होगा -160 और यहाँ पर प्लस के 160। तो 160 डाल देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक कमांड लगानी है लुक में जाकर शो की। तो शो की कमांड लगा देते हैं। शो की कमांड हमने लगा दी। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारा पैकमैन भी चल रहा है और हमारा घोस्ट भी चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा फूड पार्टिकल भी चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन और हमारा घोस्ट भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पहले हम इसको कहीं और जाने देते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि फूड पार्टिकल ये देखो, तो मैं इसको जैसे टच करा आपने देखा स्कोर 1 हो गया मेरा और ये कहीं भी दिखाई दे रहा है। इसका टाइम आप फ्रेंड्स आपको यहाँ से सेट करना है, आपको कितने सेकंड रखना है। तो 5 सेकंड रखा है। तो फ्रेंड्स फूड की कोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली अब जाते हैं हम गेम ओवर की कोडिंग करते हैं।
सो फ्रेंड इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले कमांड चाहिएगी वैन फ्लैग क्लिक, वैन फ्लैग क्लिक लेनी है और सिंपली आपको रखना है लुक में जाकर हाइड। हम चाहते कि जब हमारा फ्लैग क्लिक हुए तो ये हाइड रहे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको लेनी है फोर एवर की कमांड, तो कंट्रोल में जा ले जाते हैं और फोर एवर कमांड ले लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इफ देन की कंडीशन की कमांड लेनी है, तो इफ देन इसके नीचे है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कमांड। उसके बाद आपको सिंपली ऑपरेटर में जाना है और की कमांड लेनी है, ये रही हमारी और की कमांड, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली इक्वल टू की कमांड लेनी है, तो इक्वल टू की हम कमांड ले लेते हैं, एक यहाँ पर रखनी है इक्वल टू की कमांड और एक यहाँ पर रखनी है। तो और फ्रेंड्स इस वाले में आपको वेरिएबल में जाना है और वेरिएबल में जाने के बाद आपको रखनी है सिंपली लाइफ, ये वेरिएबल आपको यहाँ पर रख लेना है और इसमें यहाँ पर 50 की जगह आपको वैल्यू 0 कर देनी है। और यहाँ पर आपको रखना है टाइम, और टाइम होने के टाइम को हमें यहाँ पर रख देना है और इसको भी 0 कर देना है, तो 0 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। और आपको फिर करना है स्विच कॉस्ट्यूम टू, वो आपको मिलेगा लुक में जाना है और स्विच कॉस्ट्यूम फ्रेंड्स, तो स्विच कॉस्ट्यूम लेते हैं और यहाँ पे यू वॉन्ट की जगह आपको गेम ओवर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको गेम ओवर करने के बाद सिंपली आपको लुक में जाकर ही शो कमांड लेनी है, तो शो कमांड को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और सिंपली इसके बाद आपको कंट्रोल में जाकर स्टॉप ऑल की कमांड लेनी है, ये आपको यहाँ पे स्टॉप ऑल की कमांड मिलेगी, यहाँ पर आकर आपको इसको भी ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड इसके बाद आपको एक और इफ देन कंडीशन लेनी है, तो इफ देन कंडीशन हम दोबारा लेंगे, इफ देन कंडीशन लेते हैं और वो आपको यहाँ पर ड्रॉप करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है अपने, तो फ्रेंड इसको ड्रॉप करने के बाद आपको सिंपली ऑपरेटर में जाना है और इक्वल टू वाली कमांड लेकर यहाँ पे ड्रॉप करनी है। और फिर आपको फ्रेंड्स वेरिएबल में जाना है, स्कोर को लाकर यहाँ पे ड्रॉप करना है और यहाँ पे आप कितने स्कोर पे आप यू विन करना चाहते हैं, तो मैं 20 पे करना चाहता हूँ तो मैं 20 डाल देता हूँ यूनिटीज की। और सिंपली इसके बाद आपको लुक में जाना है और स्विच कॉस्ट्यूम टू यू वॉन्ट कमांड यहाँ पे ड्रॉप करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली शो की कमांड देनी है इसको, तो शो की हम कमांड देते हैं इसको। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको करनी है स्टॉप ऑल, तो स्टॉप ऑल हमने कंट्रोल में जाकर लिया था, तो कंट्रोल में जाकर स्टॉप ऑल की कमांड दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे 20 स्कोर करना है, तो ऐसे तो फ्रेंड्स बहुत देर हो जाएगी, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वन पे मैं इसको एक बार वन डाल देता हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, जैसे ही हमने हमारे स्कोर वन हुआ तो हम यू वॉन हो गए, तो यहाँ पर हम मैं दोबारा 20 डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा गेम बनके रेडी हो चुका है, तो अब मैं बात करता हूँ आपको कैसे इस फाइल को डाउनलोड करना है, इस जो आपने इसका मटेरियल मिलेगा आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना सिंपली आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन होने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का लिंक डालता हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पार्ट वन में भी और पार्ट सेकेंड में भी। तो सिंपली आपको नीचे आना है और इस वाली पोस्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जाना है गो टू डाउनलोड लिंक, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो जैसे आप यहाँ पर आओ तो थोड़ा सा आपको टाइम देना है, तो हम इसको टाइम दे देते हैं, अभी इसकी लोडिंग हुई है आप देख सकते हैं। और अब आपका ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो हम वेट कर लेते हैं, 15 सेकंड वेट करते हैं हम। A few moments later. तो फ्रेंड जैसे आपका टाइमर ख़त्म होगा तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे इस पेज पे। सिंपली आपको यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेना है, तो मैं भी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप डाउनलोड करोगे
तो आपके सामने जैसा मैंने पार्ट वन में आपको बताया था सिंपली आपके सामने वैसे ही प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।